दिया लाइव। नमस्कार, आप सभी देख रहे होंगे कि इतनी रात में भी हम लोग यहाँ पर इको गार्डन में बैठे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि आज प्रधानमंत्री लखनऊ में हैं और बताया ये गया है कि जब तक वो पहुँच नहीं जाएंगे, जब तक यहाँ से चले नहीं जाएंगे, तब तक हम लोगों को यहाँ पर रुकना है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और इकट्ठा क्या है कि मतलब हमको बैठाया गया है। मैं तो रूम पे चला गया था, वहाँ से बुला लिया गया और ये दोनों लोग पहले से थे। और कोशिश ये है कि हम लोग इस गेट के बाहर ना जाएं। इस हद तक लोग उतर आए हैं, लोगों को लगता है कि हम लोग बाहर रहेंगे तो बवाल हो जाएगा या कुछ हम लोग ऐसा कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हम लोग नहीं करने वाले थे। हम लोग तो अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे हैं और कोशिश भी हम लोगों की यही है कि किसी भी दशा में कोई भी ऐसा कार्य ना हो कि जो संवैधानिक दायरे से बाहर हो। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना प्रोटेस्ट जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं और वैसे चलाते रहेंगे। लेकिन इसमें जो है ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर रोक के रखा जाता, लेकिन अभी फ़िलहाल रोका गया है और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्रशासन से हम लोगों को जाने की अनुमति मिलती है। क्योंकि जब तक अनुमति नहीं मिलेगी हम लोगों को बैठना है, ये बता भी नहीं पा रहे हैं कि कब तक बैठना है। हम लोग जिससे जानकारी लेना चाह रहे हैं कि कितनी देर तक हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से हम लोग यहाँ यहीं पर आ गए थे, को गार्डन में ही आ गए थे और सुबह का वही खाया पिया है, कुछ यहाँ खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अभी बैठा के रखा गया और कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि कब हम लोगों को यहाँ से जाने को मिलेगा। हम लोग भी यहाँ आराम से बैठे हैं, जो भी होगा अपना देखा जाएगा। प्रधानमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। जब तक अनुमति नहीं होगी तब तक यहाँ बैठना है। और आप लोगों से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप देखिए कि कितना मुश्किल काम है जो जिम्मा आपने सौंपा है। लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है, दिन भर इको गार्डन में आंदोलन हो जाता है, ऐसी ऐसी चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि आज ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम लोग अपना हक और अधिकार न मांग के कोई गुनाह कर रहे हो यहाँ पे। इस ढंग से चीज़ें मतलब जो है की जा रही हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बताइए और तैयारी करिए कि इस बार जब आंदोलन की डेट हो तो सभी लोग आइए, क्योंकि कुछ लोग मिलके आंदोलन करके इस जो है लड़ाई को नहीं जीतेंगे। उसके लिए आप सबको घरों से निकलना पड़ेगा। सभी लोग एक साथ आएंगे तो ये लड़ाई एक दिन में जीती जा सकती है। धन्यवाद। देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो हम लोग कोई अनैतिक और अत्याचार कभी नहीं किए हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों को यहाँ बैठा लिया गया है। आप दो लोग देख सकते हैं, पूरा प्रशासन हम लोगों को बैठा के रखा है कि नहीं, आप लोगों को परमिशन नहीं है जाने की। मैं तो एक दो बार जाने की कोशिश किया तो ADCP साहब और SHO गंज सभी लोग फ़ोन करके नहीं नहीं तुम लोग बैठोगे जब तक ये कार्यक्रम हो नहीं जाएगा। ठीक है, हम भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी यहाँ बैठ गए। हम लोग कोई ऐसा कार्यक्रम हमारा था नहीं, हाँ, और रहा भी होगा तो भाई अपने प्रधानमंत्री के लिए हम लोग सिर्फ अपनी मांग ही उठा सकते थे, तो इस वजह से ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। आप लोग ये देख सकते हैं कि संघर्ष बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि जो लोग घर पे बैठ के ये सोचते हैं कि हम लोग बस मुंह से बोल दिए, हाँ, मुंह से इधर उधर कर दिए तो वही काम हो गया, ये ऐसा नहीं होता। यहाँ हर स्थिति में आपको झेलना होता है। भूखे प्यासे हम लोग सुबह से पहले तो आंदोलन में यहाँ पे बैठे थे और इसके बाद शाम अभी लगभग 9:49 हो रहा है, तो हम लोगों को यहाँ बैठा के रखा गया है। और कब तक रखा जाएगा ये भी कोई पता नहीं। जब तक प्रधानमंत्री जी का कॉन्वॉय निकल नहीं जाएगा, एयरपोर्ट से उड़ नहीं जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ बैठाए रखेंगे। तो ये लोग जो घर में बैठ के खूब खबरें देखते हैं और माहौल सेट कर देंगे, नहीं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हम जाएंगे तो लड़के ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जब आप लोगों को बुलाया जाए तब आप लोग आइए, जो आपको गूगल फॉर्म भराया जा रहा है उसको भरिए। जब हम लोग संगठित हो जाएंगे ना, देखिए सरकार के पहले की स्थिति दूसरी थी, उसके पहले जो आंदोलन किए वो दूसरी स्थिति से आंदोलन किए। आज हम लोगों को संगठित होकर एक साथ प्रहार करना, इस बात को समझिएगा। अगर हम चाहें कि नहीं हम लोग 10 लोग 20 लोग जैसे कि विधानसभा घेर लेते थे, कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, लाठी खाएंगे और ये देखिए प्रशासन के महोदय बैठे हैं, मार के तोड़ देंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं भाई, उधर भी दिखा दीजिए सभी लोग यहाँ पे। तो ये स्थिति परिस्थिति बड़ी नाजुक है। अगर आपको अपनी नियुक्ति चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पर आना होगा, लखनऊ में आना होगा, हर स्तर से सहयोग करना होगा। और कई हमारे आयोग टीम के लोग हैं, मतलब कोई जिनका कोई इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लूटे लपाटे और माहौल सेट किए, उन लोगों से इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है।
फिर भी बीच में गाली देते रहते हैं, मतलब बोलते रहते हैं कि हम लोग प्रशासन को ऐसा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, अधिकारियों को बोल रहे हैं, तो हम किसी की पूजा करेंगे ना तो हम वो हमें नौकरी नहीं देगा। हमको कड़ा रुख तैयार करना होगा। हम जो अधिकारी हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम उनको गलत मुझे बोलना होगा, ठीक है। ये हमारा काम है, आंदोलन हमारा है, हम लोग यहाँ खून पसीना गंवा रहे हैं, तो किसी को इतना हम लोगों ने नहीं पावर दे रखा है कि आप कुछ भी हमारे बारे में बोल जाएं, ठीक है। ये हमारा मतलब वो सोचिए कि कितने दिन तुम बच गए बिना गाली खाए, ये इत्तेफाक था। और तुम लोग जो सोचते हो कि सिर्फ और सिर्फ घर बैठे, इस बार आओ, जितने मुकदमे होंगे ना तुम्हारे नाम होंगे, अब हमारे नाम नहीं होंगे। आंदोलन का नेतृत्व तो तुम आओ लखनऊ करो, मुकदमा झेलो, सब कुछ झेलो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि नौकरी कितना आसान है कितना कठिन है। जब पुलिस प्रशासन का लाठी झेलोगे ना तब तुमको समझ में आएगा। अभी घर बैठे बीवी के पल्लू के पीछे बैठ के और फेसबुक और ग्रुपों में ज्ञान बघार लेते हो, वो सब ज्ञान हमको दिखता है, लोग हमें स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। अब तुमको ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हारा विरोध तुम्हारे लोग ही कर रहे हैं। और अगर एक सलाह मेरी मान लो, अगर तुमको अपनी नौकरी पानी है तो घर बैठ के आराम से जब बुलाया जाए तो आके धरना देके धीरे से निकल जाओ, नहीं तो बहुत स्थिति परिस्थिति बड़ी बड़ा अपना नुकसान कर जाओगे कुल मिला के। क्योंकि ना जब तक हम लोग तुमको टॉलरेट कर रहे हैं तभी तक कर रहे हैं, जिस दिन से झिलाना शुरू हो जाएगा फिर तो देखो ना तुम कहने लायक रहोगे ना सुनने लायक रहोगे, बात समझो। और यहाँ जो लोग बैठे हैं 46 डिग्री टेम्परेचर में, वो तुमको लात जूता जहाँ पाएंगे वहीं घसी देंगे, अब ये तुम लोग समझ लेना। और ये तुम सोचो कि हम तुम्हारे भड़काने से भड़क जाएंगे, तुम्हारे उससे भड़क जाएंगे, तो वो मेरे अंदर नहीं है। अगर मुझे डरना होता तो 8 महीने में आंदोलन नहीं करता। जो मैं बंद कमरे में बोलता हूँ वो मैं खुले मंच पे भी बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कह देने से मुझे कुछ और हो जाएगा, कोई मैं अलग से कोई ज्ञान देना हो। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। लोग जब देखेंगे जागेंगे तभी ये नियुक्ति तक हम लोग पहुंच पाएंगे। और जिस तरीके से सरकार अपने आप को सेफ जोन में रह के खेल रही है, बैटिंग कर रही है, आप लोगों को बहुत जल्द कुछ बड़ा करना होगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ बड़ा हम लोग नहीं करने वाले थे कि प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोक करके कुछ भी, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रदेश में आए हैं तो हम लोग उनका स्वागत कर सकते थे, अपनी मांगों तक बहुत करते तो ज्ञापन वापन पहुंचा देते। जो हम लोगों का प्लान था सिर्फ और सिर्फ इतना था कि ज्ञापन तक ही हम लोग रहते, किसी मंत्री विधायक सांसद से वहाँ हम लोग अपना ज्ञापन पहुँचाते। लेकिन स्थिति परिस्थिति ये नहीं है कि प्रशासन को भाई, क्योंकि हमको अपना काम अच्छा आता है, प्रशासन के लोगों को अपना अच्छा काम आता है, तो इस वजह से पूरे हम लोगों को यहाँ बैठा लिया गया है और हम लोग भी बैठे हैं कि भाई हम लोग भी प्रशासन के उसमें सहयोग करेंगे, कोई अफरा तफरी और कोई चीज़ें हम लोग नहीं करने वाले हैं। हाँ, लेकिन 18 के बाद मीटिंग में हम लोग के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ तो एक बड़े आंदोलन का हम लोग बड़े आंदोलन की तरफ एक रुख अख्तियार करेंगे। और आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग भी हर जिले वाइज टीम से जुड़ जाइए। जिले वाइज जो टीम का कार्य हो रहा है वो बहुत ही बेहतर है, उससे ही ये लड़ाई जीती जा सकती है। अगर हम लखनऊ में नहीं आंदोलन करेंगे तो हर जिले जिले में आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये जो कठपुतले टाइप मंत्री बनाए गए हैं ये हर जिले जिले में जाएंगे तो हम उनको वहाँ घेरेंगे। आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। देखिए, लड़ाई स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से लड़ी जाती है। आज वो स्थिति परिस्थिति नहीं है जो पहले थी कि हम इको गार्डन से निकलें और विधानसभा घेरें, वहाँ लाठी खाएं फिर आएं। 5 साल पूरी फुल मेजॉरिटी में सरकार बनी है, हमको अपने लड़ने का तरीका बदल देना होगा और वो तरीका हर तरीका हम लोग इख्तियार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ सहयोग करने की ज़रूरत है। आप लोग हम लोगों का सहयोग करिए, आंदोलन का सहयोग करिए, आर्थिक सहयोग करिए, क्योंकि बिना आर्थिक सहयोग के कुछ भी नहीं। यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था हर तरीके से हम ही लोगों को करना होता है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, इन नमूने इस्पा गैंग के लोगों से बहुत दूर रहना है। ये रात में टल्ली हो जाते हैं 8 बजे के बाद, इसके बाद ये लोग क्या बक देंगे कोई ठिकाना नहीं है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे समझ लें। इनका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि कैसे इनके अकाउंट में पैसा आ गया और 4 पैसे पा गए तो इनको बोलने लायक हो गए। शेयर भी और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी साथी ये समझ रहे हैं कि इनको हम बहुत दिन तक
भैया मैं कलुए जैसे इनको बहुत दिन तक टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू करूंगा। अभी जो सोच रहे हैं कि चार मुर्गी हम लेके आते हैं, सुरक्षा कर्मी लेके आते हैं, तो उनको ये भूल जाए कि हमारा काम ही दूसरा है। सुरक्षा कर्मी लेके घूमते रहोगे और तड़ातड़ तड़ातड़, जैसे तुम्हारा एक साक्यवंशी पाया था ना दारूबाज, वैसे तुम भी पा जाओगे। लेकिन देखो वो उसके उसको लात जूता खाने से कितना फायदा हुआ कि उसका नौकरी लग गया। अब बस लगता है हमको कि एक यही पागल बचा है। हाँ, दो ठो पागल तो वहां से कुछ बोलते नहीं, वो शांत रहते हैं, इसको उकसा देते हैं। एक अकेला पागल यही बचा है, अब यही एक आध दिन यहाँ लात जूता खाएगा, हाँ तो एकदम राइट टाइम हो जाएगा। हमको लगता है यही सब करना पड़ेगा। अभी भी समय है, अपने बिल में बैठे रहो। जो समय लग रहा है तुम्हारे माँ बाप का समय नहीं लग रहा है, तुम्हारा समय नहीं लग रहा है। जो यहाँ 46 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं, जब वो नहीं हमको बोल रहे हैं, तुम लोगों की बोलने की हैसियत नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अमित भाई हमारी बात रखेंगे। नमस्कार साथियों। साथियों आप लोग देख रहे हैं कि सुबह से हम लोग यहाँ निकले थे इको गार्डन के लिए, और इको गार्डन में आए हैं। इसके बाद जैसे चलने का हमारा समय हुआ, तभी प्रशासन ने हम लोगों को रोक लिया है, और रात के लगभग 10 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक हम लोग अपने रूम पे नहीं पहुंच पाए। जैसे कि राहुल मौर्य कह देते हैं ना बहुत आसानी से कि ये लोग जो हैं इनको ये बोल रहे हैं, उनको वो बोल रहे हैं, मैं उनके लिए सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि उनके ऊपर केवल एक जो वाक्य है वही सही बैठता है कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। सही बात। घर पे बैठे रहते हैं, टूटियां बनाते रहते हैं सबको, ठीक है, मतलब कि काम अपने आप पगला बने रहते हैं कि मैंने तुमके ऊपर छोड़ी। हम लोगों ने आज तक कभी भी नहीं कहा कि हम लोग 24 से पहले आपको नौकरी दिला देंगे। हम लोगों का प्रयास अनवरत जारी है। हम लोग जब 26 मार्च को यहाँ बैठे थे तभी हम लोगों ने ये तय कर लिया था जब तक वित्तीय नहीं लगी तब तक नहीं जाएंगे। ये कभी नहीं कहा कि नहीं 2 दिन में हम नौकरी दिलवा देंगे, 10 दिन में नौकरी दिलवा देंगे। आप ही लोग थे, आप ही कहते थे कि नहीं मेरी 18 फरवरी को एसी से बात हो गई है और हर हाल में आपको जो है 18 तारीख को कोर्ट से डायरेक्शन मिल जाएगी और नौकरी मिल जाएगी। लोकेश प्रजापति जी अभी फोटो उसमें डाली थी, होली के टाइम पे वीडियो आई थी कि मैंने 6800 के लिए नियुक्ति के लिए आर्डर दिया है और लिस्ट भी आ गई है, अगर कोई मामला फंसेगा तो मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। नहीं बात करते हैं भाई, कर ले जाके बात। तो उनका बस एक ही सिद्धांत है कि काम बने रहो पगला, काम करेगा अगला। अब घर में बैठे हैं तो इसीलिए मची है चुल उनके है? तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। आपको करना है, बहुत आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आइए। हम लोग अपने अपने घरों जा रहे हैं, 10-15 दिन हम भी अपने मम्मी पापा के पास रह आए। आप लोग आराम से यहाँ आइए, धरने को संभालिए। हम लोग इतने दिन में कुछ नहीं कर पाए, आप लोग आओ। अभी धरना हमें नियुक्ति हम लोग संभाल पाएंगे, अब आप लोग आइए, आप संभालिए और आप हम नियुक्ति दिला दीजिए, हम लोग आराम से घर पे रहे। क्या जरूरत है हम लोगों को यहाँ परेशान रहने की? आप ही बार बार करते रहते हैं नौटंकी कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे, इन लोगों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जब बैठोगे ना 10 बजे तक यहाँ, 11-11 बजे तक यहाँ, प्रशासन रात रात में बुलाएगा, क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं है, क्या प्रोग्राम है तुम लोगों का, तब पता चलती है। खाली बातें करने से काम नहीं चल जाता है, चोरी ज्यादा आती है, काम नहीं करेंगे। तो बस यही बातें हैं, बाकी आप सब लोग देखिए कि लगातार कैसे हम सब लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। धन्यवाद। दादा बात कर रही, कब तक हम लोगों को छोड़ेंगे? दादा बोल दीजिए कब तक हम लोगों को छोड़ेंगे? बस अभी छोड़ रहा हूँ। अभी कब? तुरंत छोड़ा मन कर चलो।